प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं पर आधारित तथ्यों पर जानकारी दे रहे हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? संख्या रेखा पर दिखाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए दो मूल सिद्धांत हैं। नंबर एक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। नंबर दो पे है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक सरल विधि है, जिसके अंतर्गत हम आसानी से HCF ज्ञात कर लेते हैं। माना A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं। जब हम A को B से भाग देते हैं तब भागफल Q प्राप्त होता है तथा शेषफल R प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जिसे हम जो हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये यहां पर जो R है, R इस प्रकार से है, 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। R 0 सहित 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। इस प्रकार से अब हम दो छोटी संख्याओं को लेकर के आप सबको HCF ज्ञात करने की विधि, कैसे HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका ने HCF ज्ञात करने के लिए चरणबद्ध तरीके से समझाया जाता है, जिसमें माना दो संख्याएं, एक 25 ले लिया, दूसरा हम 40 ले लिया, दो संख्याएं। अब देखिए पहले चुनाव करते हैं। यहां बड़ी संख्या स्पष्ट है 40, छोटी संख्या 25 है। क्या करते हैं? इसको भाग प्रक्रिया द्वारा 40 को 25 से भाग देंगे। एक बार जाएगा 25 हुआ, यहां सुधार लेंगे 0, 10 में 5 के 5, यहां 3 बचा 2। अब यहां पर क्या लिखते हैं? चरण नंबर एक, क्या प्रक्रिया है? भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष। तो यहां पर लिखेंगे 40 बराबर 25 गुणे भाग फल 1 प्लस 15। यहां पर यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि जो शेष फल है वो हमारा शून्य ना हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहां शेष फल 15 आया है, अतः R इज इक्वल नॉट 0। अब हम चरण नंबर दो की बात करेंगे। चरण नंबर दो क्या करते हैं? 25 को 15 से भाग देते हैं, तो 15 एकम 15, 0, 2 में गया 1। अब देखते हैं क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक
गुणे भाग फल प्लस शेष। देखते हैं चरण नंबर दो में भी हमें आर जीरो नहीं प्राप्त हो रहा है। अब हम यहां लिखेंगे, यहां आर इज इक्वल नॉट जीरो। अब हम चरण नंबर तीन की बात करेंगे। फिर क्या करते हैं, 15 को 10 से भाग करते हैं, 10 एकम 10, 5 भाज 15 बराबर 10 भाजक भागफल प्लस शेष। यहां पर भी देखिए स्पष्ट है कि R यहां R इज इक्वल नॉट जीरो। फिर प्रक्रिया को आगे हम बढ़ाते हैं और 10 को 5 से भाग करते हैं, 5 × 10। इस प्रकार से हम प्राप्त कर लिए कि यहां पर जीरो आ गया है। तो अब हम प्रक्रिया को समाप्त करेंगे, लेकिन चरण नंबर 4 तक हम पहुंचे तो चरण नंबर 4 भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहां R इज इक्वल जीरो। अब हम इस प्रकार से जीरो प्राप्त कर लिया और जितनी भी संख्याएं चाहे इससे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, आपको इसी प्रक्रिया से चरणबद्ध तरीके से चलना है। और इसका एक मूल सिद्धांत है कि हमें इस अंत तक इस प्रक्रिया में जाना है कि जब तक हमें शेषफल शून्य ना प्राप्त हो। अतः प्रक्रिया समाप्त हुई। इस प्रकार SCF बराबर फल, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंतर्गत ये SCF ज्ञात करने की जो सुगम विधि है इसका अध्ययन आप लोगों को कराया है। अब इसके बाद हम और बड़ी संख्याओं को लेकर के चरणबद्ध तरीके से दिखाएंगे, तो ये हमें स्पष्ट रूप से ये तय हो जाता है कि यह सिद्धांत हमारा फॉलो करना चाहिए हर स्टेप में। अगर यह सिद्धांत फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब हम प्रक्रिया से कहीं दूर हट रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी बात है अंकगणित की, नंबर दो पे जो लिखा हमने अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, इसके अंतर्गत क्या है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय में संख्याओं के अभाज्य गुणन खंड करना, उनको क्रम से लिखना, यही अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अंतर्गत है। जैसे कोई संख्या ले ले हम 27 ले लिया और इसको विभाजित किया अभाज्य गुणनखंडों में, 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3, इस प्रकार 3 × 3 × 3, हम 3 की घात 3 प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम और संख्याएं ले ले, जैसे 128 ले लिया और 128 को 2 से विभाजित के 2 × 12, 2 × 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 1 = 2। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
तीन तीन छः एक सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अर्थात ये दो की घात सात बनी। तो इस प्रकार से ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय आता है। अब आज इतना ही, इसके बाद हम अगले दिन आपको अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पर आधारित और चर्चा करेंगे। थैंक यू।